हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड इन्फो विद अदिति। आज का टॉपिक है किंगडम मोनेरा के एक्स्ट्रा पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के एक्स्ट्रा पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स में ही मोनेरा के ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। तो मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो इनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन यानी म्यूरिन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है यूकैरियोट्स की तरह होती है, जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन मतलब कि लिपिड प्लस प्रोटीन। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। जो इनका न्यूक्लियस होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोट आल्सो नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियॉइड भी कहते हैं या फाइब्रल न्यूक्लियस भी कहते हैं। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, ट्रू क्रोमोसोम भी एब्सेंट होता है। फाल्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होगा। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो पॉलीमीन की तरह होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स के जो मेंबर हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जो ट्रू क्रोमोसोम तो एब्सेंट ही होता है, फॉल्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, जो जिसमें कि जो डीएनए होगा वो नेक्ड डीएनए होगा, वो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होगा। दिस फॉल्स क्रोमोसोम कॉइल्स एंड फॉर्म द क्रोमोसोमल रीजन, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड। इन प्रोकैरियोट जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होंगे, और जो राइबोसोम होते हैं वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से मेंबर आएंगे, यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया आएगा, एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे, आर्की बैक्टीरिया आएगा, रिकेट्सी आएगा, प्लीमाइडिया आएगा और माइकोप्लाज्मा आएगा। और जो कोकस या कोकाई होते हैं वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। वैसिलस, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो वैसिलस टाइप के होते हैं, जैसे ईकोलाई है, वैसिलस एंथ्रेसिस है। अब देखते हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो होती है मोटिलिटी कैसी होती है, किस टाइप की होती है। बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। ये मोटाइल भी होंगे, नॉन मोटाइल भी होंगे। अगर फ्लैजला एब्सेंट है यानी कि नॉन मोटाइल होंगे तो उन्हें हम एट्राइकस कहेंगे। मोनोट्राइकस वो होंगे जिनमें फ्लैजला पाया जाएगा एक एंड पे। एम्फीट्राइकस होंगे जिसमें कि सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट होगा बोथ ऑफ द एंड ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के दोनों एंड पे केवल सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट होगा। लोफोट्राइकस वो बैक्टीरिया होंगे जिसमें ए बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होगा दोनों एंड पे। और सेफेलोट्राइकस वो होंगे जिसमें कि ए बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होगा एक एंड पे। पेरिट्राइकस वो होंगे जिसमें फ्लैजला पाया जाएगा ऑल अराउंड द बॉडी, होल बॉडी के अराउंड पाया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल है ईकोलाई या साल्मोनेला टाइफी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला का स्ट्रक्चर देखते हैं। ए फ्लैजला ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ द थ्री पार्ट। फ्लैजला के तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेन पॉइंट है जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं कोई भी नोट डाउन किया है, मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही नोट डाउन की हैं। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है ढूंढने में। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला के तीन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक्स एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है सिलिंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर है, फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है, ये कि एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। पिलाई जो होता है वो बैक्टीरिया सेल वॉल इज कवर्ड बाई न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजला, ये फ्लैजला से छोटे हैं। दो टाइप के होते हैं, लॉन्गर और शॉर्टर। जो लॉन्गर होते हैं उन्हें हम एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। ये केवल डोनर में ही प्रेजेंट होंगे। डोनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ प्लस या मेल। और हेल्प इन कॉन्जुगेशन, जो पिलाई होते हैं, पिलाई में जो लॉन्गर पिलाई होंगे वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे। और जो शॉर्टर पिलाई होते हैं इनको हम फेम्ब्री भी कहते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और ये केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही पाए जाएंगे। ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। जो पिलाई होते हैं, पिलाई के जो मोनोमर होते हैं वो पिलिन प्रोटीन के बने होंगे। और पिलिन भी एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, जबकि जो फ्लैजलिन प्रोटीन है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है और पिलिन जो है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। पिलाई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। पिलाई का मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। नंबर वन है आउटर मोस्ट जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है मे बी कैप्सूल थिक
जो इसका कैप्सूल होगा वो थिक और टफ होगा या स्लाइम लेयर होगा लूज शीट का बना होगा। जो स्लाइम लेयर होगी वो लूज शीट की बनी होगी और जो कैप्सूल होगा वो थिक और टफ होगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज डन बाय द सेल मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो फॉर्मेशन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। कैप्सूल इज मेडअप ऑफ द पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड। कैप्सूल जो होगा वो पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड का बना होगा, जबकि जो स्लाइम लेयर होती है वो मेनली पॉलीसेक्राइड की बनी होगी। जो सेल वॉल होगी वो रिजिड होगी, मेडअप ऑफ मेनली पेप्टिडोग्लाइकॉन। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाएगा। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड एंड थिक। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होगी वो सिंगल लेयर्ड होगी, थिक होगी और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। जो लिपिड्स पाए जाएंगे वो लेस क्वांटिटी में पाए जाएंगे। इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, अंदर वाली थिन होगी और आउटर वाली थिक होगी। जो थिन होगी वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी और जो थिक होगी वो लाइपोपॉलीसेक्राइड की बनी होगी। बैक्टीरिया सेल वॉल कैन बी डिजॉल्व बाई लाइसोजाइम। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो लाइसोजाइम एंजाइम से डिजॉल्व हो सकती है। वैन बैक्टीरिया सेल वॉल इज रिमूव्ड आर्टिफिशली बाई लाइसोजाइम देन बैक्टीरिया आर कॉल्ड द एल फॉर्म। जब हम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी जो होती है उसको अगर हम लाइसोजाइम एंजाइम से आर्टिफिशली रिमूव्ड कर देंगे तो वो कहलाएगा एल फॉर्म, यानी कि लिस्टर फॉर्म वाला बैक्टीरिया कहलाएगा। बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लाइपोप्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन लाइक द यूकैरियोट। में यूकैरियोटिक के जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स जो होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, वैसे ही बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज ये सारे एब्सेंट होंगे। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म शो नो स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कोई भी स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस वाली प्रोसेस नहीं पाई जाएगी। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल देख लेते हैं। मीसोसोम को डिस्कवर किया था एफ जेम्स ने। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया इनवेजिनेट इन साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट प्लेस एंड फॉर्म मीसोसोम या कॉन्ड्रॉइड। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ द वेसाइकल ट्यूबुल एंड लैमली। फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मीसोसोम होता है वो फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके के मीसोसोम है, पेरिफेरल मीसोसोम और सेंट्रल मीसोसोम। पेरिफेरल मीसोसोम का जो फंक्शन है वो सेल रेस्पिरेशन है, सेल वॉल सिक्रीशन में है, और जो सेंट्रल मीसोसोम का जो फंक्शन है वो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन का होता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजिंग बॉडी। जो प्रोकैरियोट्स के जो मेंबर हैं उनकी सेल में जो रिजर्व मटेरियल जो स्टोर होगा वो साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होगा इंक्लूजिंग बॉडी के रूप में। आगे देखते हैं क्रोमेटिक मटेरियल या न्यूक्लियॉइड। न्यूक्लियॉइड पाया जाएगा बिसाइड्स द मेन डीएनए, अनदर स्मॉलर एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल नॉन एज द प्लाज्मिड। इसके जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के अलावा भी एक सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहेंगे प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है ये। प्लाज्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एफ या फर्टिलिटी फैक्टर या आर फैक्टर। जो एफ या फर्टिलिटी फैक्टर होता है ये एफ प्लाज्मिड इज अटैच्ड विद द मेन डीएनए, इसे कहेंगे एपिसोम या एचएफआर सेल। और जो आर फैक्टर होता है वो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होता है। अब देखते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया को सबसे पहले एससी ग्राम ने दिखाया था। बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वायलेट या जिलेटिन वायलेट उसके ऊपर डालते हैं, उसके बाद हम केआई सॉल्यूशन डालेंगे, उसके बाद एसीटोन या इथाइल अल्कोहल डालेंगे, उसे हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया में तो कलर रह जाता है और कुछ डीकलराइज्ड होते हैं। जिसमें कलर रह जाता है हम उस पर पर्पल वायलेट कलर डालेंगे। उस जो जिसमें कलर रह जाता है वो है पर्पल वायलेट कलर, जिसे हम इसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो डीकलराइज्ड हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर काउंटर स्टैंड बाई द सेफ्रेनिन। उसके बाद हम उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को सेफ्रिन से काउंटर स्टैंड करेंगे। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।
न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं फूड सिंथेसिस में, सॉरी, एंड जो कीमोसिंथेटिक होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि कीमोसिंथेटिक में एब्सेंट होगा। फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजनिक और केमिकल, सॉरी, फोटोसिंथेटिस इज नॉन ऑक्सीजनिक हाइड्रोजन एंड रिसीव्ड फ्रॉम सोर्स लाइक इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड जैसे H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड थायोसल्फेट, या ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फैटी एसिड। जबकि कीमोसिंथेटिक में केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। इनके एग्जांपल हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम, थायोथ्रिक्स, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया रोडोस्पायरलम या रोडोस्यूरोमोनास। और जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके एग्जांपल हैं नाइट्राइड बैक्टीरिया, ये अमोनिया से नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोकस इनके एग्जांपल हैं। और नाइट्रेट बैक्टीरिया नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं, इनका एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर। अब देखते हैं हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया। जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो एक तो होते हैं सेप्रोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं पैरासिटिक। तो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। और जो पैरासिटिक होते हैं ये बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक होंगे और फैकल्टेटिव पैरासाइट होंगे। जो ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक हैं वो कम्प्लीटली सेप्रोट्रॉफ होते हैं, कम्प्लीटली साइटोट्रॉफ होंगे। एग्जांपल है वैसिलस वल्गैरिस और क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। जबकि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये नॉर्मली तो सेप्रोफिटिक होते हैं लेकिन इन एब्सेंस ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर दे कैन बिकम पैरासिटिक। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो ये पैरासाइट हो जाएंगे, इन्हें इसीलिए हम इन्हें कहेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब कि ये नॉर्मली तो सेप्रोफिटिक हैं लेकिन मतलब एक विकल्प होता है इनके पास कि अगर हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचेगा तो हम पैरासाइट की तरह बिहेव कर लेंगे, पैरासाइट की तरह क्या कहेंगे दूसरों की बॉडी पे पैरासाइट होकर अपना फूड हम उनसे ले लेंगे। इनका एग्जांपल है स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। और जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं वो भी दो टाइप के, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है मतलब कि ये तो टोटली पैरासाइट होंगे ही, हमेशा ये पैरासाइट की तरह रहेंगे। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोसी, सॉरी इससे लेप्रोसी डिजीज होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। और जो फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक है नॉर्मली तो ये पैरासिटिक है ही बट इनके पास एक ऑप्शन है कि अगर हम पैरासिटिक ना हों तो हम सेप्रोफिटिक की तरह रह सकते हैं। लिखा है नॉर्मली पैरासिटिक बट इन एब्सेंस ऑफ द लिविंग होस्ट दे मे बिकम सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है और जो फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिनमें ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। आज इतना ही देखते हैं, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, आगे देखते हैं।